ओके दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे नए वीडियो में। हम गाइस आपको बताने वाले हैं कि 8 वोल्ट और 9 वोल्ट एक्सप्लोर में दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, आखिर दोनों में ज्यादा माल कौन छोड़ती है दोस्तों, पूरा डिटेल से बताएंगे आपको 8 वोल्ट और 9 वोल्ट एक्सप्लोर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको चैनल में इस तरह की वीडियो में सब मिलती रहेगी। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपको हमारे नए वीडियो में। असम गाइस आपको 8 वोल्ट और 9 वोल्ट एक्सपेलर में दोनों में अंतर बताने वाले हैं कि हमें कौन सा एक्सपेलर दोस्तों खरीदना चाहिए, कौन सा एक्सपेलर बिजनेस के परफेक्ट है और कौन सा एक्सपेलर दोस्तों ज़्यादा माल छोड़ती है। तो दोस्तों वीडियो का अंत जरूर बने रहेगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें, 8 वोल्ट और 9 वोल्ट एक्सपेलर में दोनों में कुछ अंतर नहीं है। क्या होता था कि दोस्तों पहले के ज़माने में ज़्यादा मात्रा में दोस्तों 8 वोल्ट के एक्सपेलर कंपनी बनाया करती थी, और अब दोस्तों नया टेक्नोलॉजी आ गया, अब 9 वोल्ट का एक्सपेलर दोस्तों ज़्यादा कंपनी बनाना पसंद करती है। दोस्तों अब क्या होता है कि 8 वोल्ट एक्सपेलर बनना बहुत कम मात्रा में हो गया है। जैसे कि दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये 25 साल पुरानी मशीन है ये 8 वोल्ट के एक्सपेलर। अब दोस्तों जितना भी मशीन आती है सब 9 वोल्ट एक्सपेलर आती है, अब 8 वोल्ट एक्सपेलर बनना बंद हो गई है। तो दोस्तों दोनों में अंतर कुछ नहीं है, माल दोनों सेम ही छोड़ती है, 9 वोल्ट एक्सपेलर 8 वोल्ट एक्सपेलर, और दोस्तों ज़्यादा मात्रा में 8 वोल्ट एक्सपेलर नहीं बनती, इसलिए अब ज़्यादा मात्रा में 9 वोल्ट एक्सपेलर बाजार या मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसा कि दोस्तों आप इस समक्ष देख रहे होंगे, अभी यहाँ पे 8 वोल्ट का एक्सपेलर चल रही है। ये देखिए दोस्तों इसकी कैपेसिटी 70-80 किलो घंटा में दोस्तों माल छोड़ने की है, माल या पेरने की है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी 8 वोल्ट एक्सपेलर चल रहा है। दोस्तों देखिए खल निकल रहा है और इस मशीन दोस्तों रनिंग कर रही है। मशीन दोस्तों इंजन के द्वारा अभी चलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे इस मशीन का खल निकलती है, और ये दोस्तों कुछ 25 साल पुरानी ये मशीन है। अब दोस्तों 9 वोल्ट ज़्यादा मात्रा में आती है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में मार्केट में 9 वोल्ट एक्सपेलर दिखती है। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका दोस्तों यहाँ पे खींचने पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में जब माल गिर जाती है तो चेंबर यहाँ पे जाम हो जाता है। दोस्तों इसका दोस्तों जितना जगह होता है उतना ही मात्रा में वहाँ पे नीचे बर्म की ओर जाता है। देखिए दोस्तों जैसे इसका चेंबर देख रहे होंगे, काफ़ी चेंबर छोटा होता है, तो हमने वेल्डिंग करा के दोस्तों इसका चेंबर को बड़ा कर दिया है, जिससे ज्यादा मात्रा में माल ले और ज्यादा माल की पिराई करे ये मशीन। ये मशीन दोस्तों हमने 22 एचपी इंजन के साथ चला रहे हैं। देखिए 22 एचपी का इंजन एसर कंपनी का दोस्तों, और यहाँ पे कुछ देखिए दोस्तों थर्ड या फोर राउंड चल रही है दोस्तों खल का, इसलिए कम मात्रा में तेल निकल रही है। हम आपको बता दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी 9 वोल्ट ही एक्सपेलर खरीदिए, क्योंकि 8 वोल्ट एक्सपेलर दोस्तों बंद हो गई है बनना, तो 9 वोल्ट एक्सपेलर दोस्तों बेहतर होगा बिजनेस के लिए, और वो भी दोस्तों घंटा में 100 केजी माल जरूर छोड़ देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे इंजन लगा हुआ है 22 एचपी का, और 20 फीट का लाइन सॉफ्ट है, और यहाँ से दोस्तों पुल्ली है, और यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट एक्सपेलर दोस्तों भी खींचा जा रहा है माल को, चेंबर से ज्यादा माल निकलने के कारण दोस्तों जाम हो जाती है, उसके कारण उसके खींचना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों इसका पिराई होती है। तो आप दोस्तों बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों 22 एचपी का इंजन, 22 एचपी का इंजन दोस्तों घंटे में 1.5 लीटर तेल पीता है। अगर आप इसके साथ एक सिंगल एक्सपेलर चलाओगे तो घंटे में 1 या 1.5 लीटर तेल पिएगी, और अगर एक एक्सपेलर और एक चक्की चलाते हो तो दोस्तों घंटे में 2 लीटर तेल ये पीती है ये मशीन। ये दोस्तों 8 वोल्ट एक्सपेलर में अगर आप 2 उल्टा बर्म भी चाहें तो दोस्तों लगा सकते हैं। एक्सपेलर में दोस्तों उल्टा बर्म लगाने का फायदा ये होता है कि कम समय में ज्यादा माल निकालती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए खल पेराने के बाद जमा किया जाता है बर्म। दोस्तों उल्टा 2 लगाने से फायदा है कि कम समय में ज्यादा माल को पेरती है। दोस्तों अगर आप भी तेल का बिजनेस करना चाहते हैं या करते होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना कुछ लंबा या चौड़ा 8 वोल्ट की एक्सपेलर होती है। आप हमें बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बताइए आपको अगले वीडियो में किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।